हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए अभी हम इस दिन को आगे बढ़ाते हैं। फीडबैक चेंज कर लेती हूँ पहले, उसके बाद चैंटिंग शुरू करूँगी। और ये जो काउंटर है ये मेरा बहुत पुराना, आप देख भी सकते हो, लेकिन अभी ये यूज़ हो सकता है तो हम इसे ही यूज़ कर लेते हैं। चेंज हो चुका है। और ये वाला फीडबैक किसने किसने पसंद किया था और आप सब मुझे बताना। और पर्सनली ये फीडबैक मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इन फीडबैक्स में सबसे अच्छा पता क्या है कि जो यहाँ पे जो हाथ डालने की जो जगह है ना, तो काफ़ी सारे फीडबैक में क्या होता है, ये जो है ना काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ तक होता है। तो जैसे हम चैंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो माला जो है ना बाहर की तरफ लटकती रहती है। फिर दूसरे जो डिवोटीज बताते हैं कि आपकी जो माला है वो नीचे लटक रही है। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि मैं कंटिन्यूसली माला कर रही हूँ और एक भी बार यहाँ से माला जो है तो बाहर की तरफ नहीं आती है। तो इतना ही स्पेस है जितना आपके हाथ को चाहिए। मेरे हाथ से भी ज़्यादा स्पेस है वैसे तो, बट हाँ किसी का थोड़ा हैवी हैंड है तो वो भी इजीली चला जाएगा। और नीचे जो झोली है उसमें काफ़ी स्पेस है, तो बड़ी वाली जो माला है वो भी इजीली आ जाएगी। तो ऑल ओवर दिस फीडबैक, मुझे ये फीडबैक बहुत अच्छा लगा। और बस सबसे इम्पॉर्टेंट है हरि नाम लेना। तो मैं एक अलग स्थान पर बैठ करके देखिए चैंटिंग कर रही हूँ। और आज मेरा ना ट्राईपॉड भी टूट गया है। मॉर्निंग में भी मैं लगा रही थी तो ये टूट गया है। और मोस्टली जो इसी से मैं शूट करती हूँ, तो अभी मुझे इसके लिए, वैसे तो मैं स्पेयर रखती हूँ तो ये स्पेयर वाला ही था, ये मैंने लगाया और ये भी ब्रेक हो गया है। तो अब ये मंगवाना पड़ेगा, एक दो दिन में आ जाएगा। और तब तक जो है छोटा वाला जो ट्राईपॉड है जिससे कि मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स करती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा है। इससे थोड़ा सा कम वैसा रहता है हैंडी, और उसको सेट करना वो थोड़े थोड़े देर बाद गिरता रहता है क्योंकि काफ़ी एक स्टिक पे होता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं। और ये वाला जो ट्राईपॉड है इससे करना मेरे लिए ईजी होता है क्योंकि कुकिंग ब्लॉग्स होते हैं तो उसके लिए ये जो है पकड़ थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, अदरवाइज़ कैमरा नीचे भी गिर सकता है। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और आपको एक चीज़ और दिखानी थी कि मैंने आप सबको बताया था ना कि मैं जो हूँ कुछ लेके आई हूँ, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई थी, मैंने कुछ रजिस्टर्स लेके आई थी। इस तरह से रजिस्टर लेके आई थी, ये वाले थोड़े मोटे वाले रजिस्टर्स लेके आई थी। तो ये मैं लेके आई हूँ, एक में तो मैं अपना जो है लिखूँगी डेली का कुछ ना कुछ इसमें, और बाकी जो रजिस्टर है वो एक मैं लाई हूँ नोट्स के लिए, एक जो कुछ स्पेशल लेक्चर्स के लिए, एक और है ये वाला, सेम ही है मतलब एक जैसे से ही है और बस कलर ही डिफरेंट है। और वो है मेरी जो एक हम डेली जनरल लिखते हैं ना वो, तो जैसे भी ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे कैसे यूज़ कर रही हूँ। और हो सकता है, और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और चैंटिंग के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे जो है ब्लैंकेट वगैरह नीचे लगा रखा है। और बस अभी मैं शॉल भी ले लूँगी क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है मुझे, पैरों पे तो एटलीस्ट ले ही लूँगी इस तरह से, है ना। और बस अभी हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और चैंटिंग से पहले जो है ना मैं एक बुक पढ़ती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली जो बुक है। और ये बुक पढ़ी हुई है मैंने, फिर भी मैं इसको रोज़ 5 मिनट के लिए ज़रूर पढ़ती हूँ चैंटिंग से पहले। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ थोड़ा सा कुछ इसमें से शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। मैंने तो वैसे पढ़ लिया है, बहुत आगे पहुँच गई हूँ, लेकिन आप सबके लिए फर्स्ट चैप्टर से पढ़ लेती हूँ। और हो सकेगा तो मैं आप सबको जो है ना हर एक व्लॉग में ना इसके आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता दिया करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 1, हरे कृष्ण मंत्र, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो ये जो है, ये जो एक छोटी सी कविता लिखी हुई है वो लिखी है जॉर्ज हैरिसन ने, ठीक है, सुनिए, पढ़िए नहीं सुनिए। खोले यदि अपने दिल को आप, समझेंगे ही चाहता हूँ मैं क्या कहना। जन्मों से इतने दूषित हैं हम हैं, तरीका एक चाहते हो यदि धोना। हो सकते हैं आप मुक्त, करके हरि नाम का कीर्तन। जागो उठो देखो
प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारे प्रिय भगवान। तो अवेटिंग ऑन यू ऑल फ्रॉम द एल्बम ऑल थिंग्स मस्ट पास। तो ये जो एक छोटी सी कविता है वो जॉर्ज हैरिसन जी ने लिखी है, ठीक है। तो इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा संगीत बैंड बीटल्स ने जो है अपने विघटन से पूर्व एक गीत हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड किया, जिसमें जॉर्ज हैरिसन का साथ दिया लंदन के हरे कृष्ण भक्तों ने। देखते देखते यह गीत इंग्लैंड, यूरोप, एशिया के कुछ भागों में सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। विशेषतः इंग्लैंड में हरे कृष्ण घर घर में जाना पहचाना बन गया और बीबीसी ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम टॉप ऑफ द पॉप्स में हरे कृष्ण भक्तों की प्रस्तुति देने के लिए 4 बार आमंत्रित किया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से डेली पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे विदिन 2 मिनट लगे होंगे आई थिंक, क्योंकि मैंने आपको बीच में थोड़ा सा बताया भी, अदरवाइज़ और कम लगते। अगर आप एक पेज भी पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपकी जो चैंटिंग है वो धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। और ये क्या है, इसमें थोड़ा ना संवाद चल रहा है। जैसे एक डिवोटी है जिसमें मुकुंद गोस्वामी है और जॉर्ज हैरिसन है, वो आपस में संवाद करेंगे। तो जिस तरह से वो संवाद करेंगे हम भी जो है उनसे कई कई जो लर्निंग्स ले सकते हैं। तो इस तरह से जो शिला प्रपात जी की जो स्मॉल बुक से हमें शुरू करना चाहिए, और ये पुस्तक मैं पढ़ चुकी हूँ। और जब मैं बिगिनिंग में आई थी हरे कृष्णा मूवमेंट में, तब मैंने छोटी छोटी बुक्स जो है पढ़ी थी, और स्पेशली जो प्रभुपाद बुक है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, वो वाली जो बुक है वो मैंने पूरी की पूरी पढ़ ली थी जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और श्रील प्रभुपाद जी जो हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके बारे में पढ़ना जानना बहुत अधिक ज़रूरी है। और क्योंकि हम जब उनके सेक्रीफाइस के बारे में नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो हम इस्कॉन के बारे में कैसे जान सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं यदि हम श्रवणम कीर्तनम करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम भगवान के और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पर ही थोड़ा सा पॉज देते हैं, अभी इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और चैंटिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चैंटिंग जो है वो एक ऐसे प्लेस पर करनी चाहिए जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते ना हों, ज़्यादा आपकी नज़र ना पड़े। तो सुबह सुबह का समय ही सबसे बढ़िया समय होता है चैंटिंग करने का। जैसे अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, जब मेरी क्लास होती है तो आपने देखा होगा मैं टेबल पे बैठी होती हूँ। जब अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं तो मैं अंदर ही बैठती हूँ, लेकिन पहले जब मैं बैठती हूँ तो मैं यहीं बैठ के करती हूँ। और यहीं पर मैंने जो अपना एक गद्दा लगा रखा है, ये बार बार नीचे नहीं होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक गद्दा लगा रखा है और यहीं बैठती हूँ मैं। और यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है, तो यहीं बैठती हूँ और चैंटिंग करती हूँ। तो चलिए अभी हरे कृष्णा चैंटिंग शुरू करते हैं। चैंटिंग जो है हरे कृष्णा मेडिटेशन भी कहा जाता है इसको। और इसको करने के लिए आपको चाहिए एक जप माला, और आप खुद, और आपको जो है हरे कृष्णा जो है वो बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना है। जीवा से हरे नाम बोलना है और कानों से इस हरे नाम को सुनना है। इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chant the holy name, say the mantra, chant loud and clear, then you will be happy. Chant the holy name, say the mantra, chant loud and clear, then you will be happy.
शब्द हैं शिल प्रभुपाद जी के एकदम सटीक है, नपे तुले। प्रभुपाद जी की जैसा तो खैर कोई भी नहीं हो सकता। जैसे हाँ बताएंगे कि अगर भक्त बनना है, भक्ति करना है, तो उसके लिए सदाचार सीखना जरूरी है। बिना सदाचार के वैष्णव से सदाचार सीखे भक्ति नहीं की जा सकती। और आप सभी कैसे हैं, आप सब बताइएगा। और आपकी साधना कैसे चल रही है, और माला, बुक रीडिंग, हेयरिंग, और आप सब कैसे हैं। और आज और मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी चैंटिंग हो गई है अभी, और बस मैं अभी लेक्चर करूँगी, उसके बाद मैं अपना फीवर चेक करूँगी है या नहीं है। और हल्का सा लग रहा है मुझे भी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ा गर्म पानी पियेंगे, और अगर लगा तो मेडिसिन ले लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस तो अभी लेक्चर स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने सोचा अभी हम मिलेंगे फिर से थोड़ी देर के बाद। हरे कृष्णा, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। का क्या बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए, बताया आपको, बता तो दिया था आपको। आज मैं बनाऊंगी टमाटर की सब्जी, टमाटर की चटनी भी बोल सकते हैं आप इसको। और जब मैं छोटी थी मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी, और टमाटर को छोटा छोटा काट के, और इसको सिंपली हम एक जीरे और हींग का तड़का देते हैं, और ऐसे चटनी की तरह बन जाती है, और इसको चपाती के साथ हम भून लगाएंगे। तो चलिए अभी राधिका शुरू करें टमाटर की चटनी बनाना, ठीक है। और राधिका जो है अभी बैठी है कंबल के अंदर जहाँ मैं चैंटिंग कर रही थी, और गर्म बोतल लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और थोड़ी देर फिर आपसे मिलती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधिका। हरे कृष्णा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ।
और आपके आप सभी कैसे हो? सब हमारे सब्सक्राइबर कमेंट में लिख देना, ठीक है? लिख देंगे आपको कमेंट में, सब लिखेंगे प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, पता है आपको? नहीं पता भाई राधिका को नहीं पता, आप सब उससे प्यार करते हैं, बताना उसको कितना प्यार करते हैं सब आपको, ठीक है? और राधिका को ब्लेसिंग देना, प्रणाम करो सबको, राधिका को सभी ब्लेसिंग्स देना कि राधिका अच्छे से भक्ति करे, अच्छे चैंटिंग करे, पढ़ाई में भी आगे निकले, भक्तों की सेवा करे, है ना, शिल प्रभुपाद जी के मूवमेंट में काम आए। तो चलो राधिका, प्रसादम टाइम हो गया आपका, तो चलिए अभी हम प्रसाद ले लेते हैं। आज राधिका बहुत ही सिंपल मम्मी ने बनाया है, ठीक है? तो चलिए अभी हम चलते हैं। हरे कृष्णा राधिका। हरे कृष्णा। Chant and be happy.